हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में कुकिंग विद शालिनी में। सावन के व्रत चल रहे हैं तो आज हम बनाएंगे सावन के व्रत की थाली। बहुत ही टेस्टी बढ़िया थाली बनेगी और आप सबको बहुत ही अच्छी लगेगी, इजीली बन जाएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हम सावन के व्रत की थाली। तो सबसे पहले हम जो है ये उबाले हैं हमने आलू, तो ये हमने 6 आलू लिए हैं। आप जितने आपको बनाना हो आप उतने ले सकते हैं। आलू को उबाल कर हमने छील लिया है। आप आलू जब हम फ्रेश उबालते हैं तभी भी इमिजिएटली बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है। तो हमने जो है इस तरह से इसको बना लेना है, छील लिए आलू, इसको काट लेंगे इस तरह से छोटे पीसेस में। हमने इस तरह से इसको काट लेना है, ये देखिए इस तरह से ऐसे छोटे पीसेस में काटेंगे। आप जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो लीजिए इस तरह से हमने सारे आलू काट कर तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए आलू काट कर हमने तैयार कर दिए। हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो है वो भी बारीक बारीक काट लिए, 1 हरी मिर्च हमने बारीक काट लिए। चलिए बनाना शुरू। कढ़ाई को हमने रख दिया गैस पे। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। मैं बनाऊंगी इसको रिफाइंड ऑयल में, कोई भी आप सनफ्लावर का रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। तो 2 चम्मच जो है इसमें रिफाइंड ऑयल के डाल देंगे। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे बनाना चाहें तो आप उसमें बना सकते हैं। सरसों का तेल हम जो है इसमें नहीं यूज़ करेंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा, इसको थोड़ा सा चटकने देंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 इंच कटा हुआ बारीक बारीक अदरक, इसको भी भून लेंगे। ये साथ ही हमने 1 हरी मिर्ची काटी है बिल्कुल बारीक बारीक, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं डालें, नहीं पसंद करते तो आप रहने दे सकते हैं। अदरक से फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आ जाता है और अदरक जो है हम व्रत में आसानी से खा सकते हैं। जीरा भी व्रत में खाया जाता है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसको रहने दे सकते हैं। इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमने अच्छे से भून लिया है। इसमें हम कटे हुए अपने आलू डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हल्का कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपने कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च, ये देगी मिर्च मैंने डाली है। आप देगी मिर्च पसंद करते हैं देगी मिर्च डाल लें, आप कुटी हुई मिर्च पसंद करते हैं तो कुटी हुई डालें, इससे टेस्ट भी आएगा और कलर भी आएगा। क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डालना है, हम व्रत में नमक नहीं खाते हैं, तो हमने जो थोड़ा बहुत टेस्ट आएगा वो थोड़ा सा मिर्ची के साथ आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इसको थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए। आमचूर पाउडर से इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया हो जाता है, तो ये आमचूर पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बनते हैं, इस तरह से भी खाएं तो आपको बिल्कुल जो है पता नहीं चलेगा कि इसमें नमक नहीं है, आपसे आराम से जो है ये व्रत में खाया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको अच्छे से भून लिया है। देख सकते हैं आलू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, इसको अब हम निकाल लेंगे। आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया, तो आधे आलू हम निकाल लेंगे और आधे इसी में रहने देंगे। तो लीजिए आधे आलू हमने निकाल दिए हैं। कुछ लोगों से नमक के बगैर आलू नहीं खाए जाते हैं, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है कि जैसे ये आलू मैंने इसी में रहने दिए, इसी तरह से हम बना लेंगे और इसमें हम 1/2 चम्मच जो है पिसी हुई चीनी डालेंगे। इससे भी स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, खट्टा मीठा स्वाद आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको 1/2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब लीजिए हमारे आलू बनकर तैयार हो गए हैं, इसको निकाल। अब हम बनाएंगे व्रत की परौंठी। ये गेहूं के आटे की परौंठी बनती है, इसको हम नॉर्मल तरीके से हमने जो है गूंद दिया है। व्रत में हमेशा फ्रेश आटे का जो है फ्रेश गूंदे आटा, बिल्कुल ताज़ा लेकर, बिल्कुल पुराना आटे को इस्तेमाल नहीं करना है। तो लीजिए हम बनाते हैं, थोड़ी सी लोई जो है निकाल लेंगे इस तरह से और इसकी बॉल बना लेंगे। सूखा आटा इस पर दोनों तरफ लगा लेंगे, प्लेटफॉर्म में रखेंगे और इसको बेल लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा ही बेलेंगे पहले पूरी के साइज का, और उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा अपना रिफाइंड ऑयल डालेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से सब जगह लगा कर फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप दे देनी है और सूखा आटा एक बार दोबारा लगाकर इसको बेल लेंगे। तवे को हमने गर्म करने के लिए गैस पे पहले से ही तैयार रखते हैं। लीजिए बेल कर हमने तैयार कर दिया, अब इसको बनाते हैं। लीजिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और हल्का सा ऊपर से जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए इसको मोड़ेंगे नहीं। तो लीजिए आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट होने लगा है, कलर इसका चेंज हो गया, इसको मोड़ लेंगे इस तरह से और हल्के हाथ से इस तरह से हिला लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम में रखा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि व्रत की जब थाली बनाते हैं, व्रत की परौंठी बनाते हैं, तो उसमें जो है ऑयल नहीं लगाते हैं, तो ऑयल ज़रूर लगाएं,
मोड़ लेंगे और इसमें थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल इस तरह से लगा, इसको मोड़ लेते हैं और हल्का सा दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। इसको इस तरह से प्रेस करते हुए, इस तरह से मोड़ते हुए हिलाते हुए इसको भी मोड़ लेंगे। अब देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर आ गया इसका। तो लीजिए ये बनकर तैयार हो गई है, आपको दूसरी साइड मोड़ कर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारी व्रत की परांठी जो है बनकर तैयार हो गई है। इसको निकाल लेंगे, इसी तरह से बाकी भी बनाकर रेडी कर लीजिए। ये भी डाल देंगे और इसी तरह से बना लेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे। सारी हमने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेनी है। ये देखिए आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट होने लगी है, मोड़ लेंगे और इस तरह से हिलाएंगे हल्का हाथ से, एक दो बार इसी तरह से हिलाएंगे। इसको मोड़ लेंगे, आप देख सकते हैं एक साइड से बनने लगी है। आधा चम्मच ऑयल लगाएंगे इस पर, इसको मोड़ लेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देंगे और दूसरी साइड भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं हल्का सा लगाएंगे। इसको भी मोड़ लेंगे, हल्के हाथ से इस तरह से करेंगे, दबाएंगे इसको और इसको दोबारा मोड़ेंगे, एक दो बार इसी तरह से हिलाएंगे। तो लीजिए हमारी बनकर तैयार हो गई। इसको लीजिए, ये तो हमने प्लेन बना ली, अब हम एक और बॉल लेंगे और इसकी बॉल बना लेंगे और इस पर भी जो है हम इस तरह से दोनों तरफ सूखा आटा लगा लेंगे। इसको बेलेंगे हल्का हल्का और इस पर लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। इसको फैला लेंगे हर जगह, हाथ में उठाएंगे इस तरह से और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, तकरीबन 3 चम्मच हमने इसमें 3 से 4 चम्मच जो है चीनी की डालेंगे। इसको बंद कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से बंद कर लेंगे और दबा देंगे। इसके ऊपर हम दोबारा से लगाएंगे सूखा आटा दोनों तरफ, हल्का दबाएंगे इसको और प्लेटफॉर्म पर रख के इसको दोबारा से बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे इसको बिल्कुल। ये तो उनके लिए है जो फीका खा, जिनसे फीका बिल्कुल खाया नहीं जाता है, तो ये बड़ी आसानी से जो है हम दही के साथ इसको खा सकते हैं। लीजिए ये हमने बेल लिया, इसको बनाते हैं, इसको डाल लेंगे तवे पे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार खाएंगे तो आप बार बार खाएंगे इसे, एकदम से इसको नहीं मोड़ेंगे, हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट ऊपर से होने देंगे। आप देख सकते हैं ऊपर से आपको देखेगी हल्की हल्की चीनी जो है मेल्ट होने लगी है, तो इस टाइम हम इसको मोड़ लेंगे, तो ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। ये जो है परांठी देसी घी में ही अच्छी लगती है, इसको जब भी बनाएं आप देसी घी में बनाएं। वैसे तो आप रिफाइंड में भी इसको बना सकते हैं, उसमें भी अच्छी लगती है, लेकिन देसी घी की जो है ये ज़्यादा स्वाद लगती है। हल्के हाथ से इस तरह हिलाएंगे और आधा चम्मच इसमें इस तरह से देसी घी का लगा देंगे इस तरह से और इसको मोड़ लेंगे, गैस का फ्लेम हल्का कर देंगे और इसमें भी थोड़ा सा लगा देंगे एक दूसरी साइड में। अब देख सकते हैं किस तरह से ये फूलने लगी है, इसको हल्के हाथ से चम्मच की हेल्प से इस तरह से हिलाते रहेंगे, इसको मोड़ लेंगे। देखिए कितना बढ़िया इसका जो है कलर आ गया है, इसको भी इसी तरह से हिलाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी जो है बनती है ये और बहुत ही टेस्टी लगती है। हल्के हाथ से इसको इस तरह से दबा लेंगे, जब इसको आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार इसको बनाकर खाएंगे। इसको आप खाली प्लेन दही के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगेगी और व्रत में ये खा ही सकते हैं। मोड़ लेंगे इसको इस तरह से, हल्के हाथ से बनाइए, हिलाइए इसको, कलर इसका बहुत ही बढ़िया आता है। मोड़ लेंगे इसको इस तरह से, दबाते जाएंगे ताकि थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी चीनी जो है मेल्ट हो रही है, तो एक बार फिर मोड़ लेंगे। तो लीजिए हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसको आप सर्व करेंगे। तो व्रत की थाली हमने सारी तैयार कर रेडी कर दी है। एक हमने दो तरह के हमने आलू बनाए हैं, एक खट्टे मीठे और एक बिना नमक के आलू बनाए हैं, और एक हमने बनाई है ये चीनी वाली परांठी देसी घी की, और ये हमने आपने देखा ये नॉर्मल परांठियाँ हमने बनाई हैं। इसके साथ हमने दही रखा है, दही प्लेन इसके साथ जो है चलता है, आप चाहें तो दही में चीनी भी डाल सकते हैं, मैंगो साथ लें, हरी मिर्ची साथ रखें तो खाने का आपको मज़ा आ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा आपको कि खाने में नमक नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगेगा। बहुत ही बढ़िया ये थाली बनकर तैयार हुई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ, और इस वक्त ये थाली ज़रूर बनाएँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।